सभी का एक बार फिर से न्यू टू एक्सप्लोर की एक और नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कैलाश। दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन खजाना लाता रहता हूँ और आज का स्पेशल खजाना चावला मोटर्स पे एक बार फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज ये एसयूवी का सेगमेंट होगा, बहुत बेहतरीन कलेक्शन दिखाऊंगा इसमें आपको, स्ट्रोम भी दिखाऊंगा, फॉर्च्यूनर भी दिखाऊंगा, कुछ एसयूवी भी दिखाऊंगा, तो बहुत बढ़िया वीडियो होगा। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं प्रमोद जी आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ सर। इतना अच्छा कलेक्शन आप लेके आते हो और हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं न्यू टू एक्सप्लोर के, आपके चाहने वाले हैं, उन सब के लिए इतना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन पहुंचाते हो। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी लास्ट वीडियोस पे जो कमेंट किए थे जिन तीन लोगों ने, उनका आप नाम ले लीजिए। सर, उनमें सबसे पहला नाम है नदीम अहमद का, ठीक है, और दूसरा नाम है शकील अहमद, और तीसरे हैं हमारे एस के यादव जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप तीनों के लिए और सभी व्यूअर्स के लिए जो हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। तो एक बार फिर से चावला मोटर का बोनांजा एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपके सामने है। सर, स्ट्रोम खड़ी हुई है। सर, ये सफारी स्ट्रोम है सर। जब ये हाईवे पे चलती है ना सर, तो ट्रक वाले ना, सिर्फ जब डिपर लगता है ना, ट्रक वाले देखते हैं कौन सी गाड़ी सफारी। सर, साइड दे दो सफारी को पहले। एक रुतबा है, रुतबा है सर सफारी का। ये सफारी स्टॉर्म का बहुत बढ़िया रुतबा है सर। ये चलने में ऐसी जानदार गाड़ी है सर, पूछो मत। इसमें अगर हम लोडिंग्स की बात करें तो क्या क्या लोडिंग हमें मिल जाती है? सर, इसमें अगर आप लोडिंग्स की आप बात करोगे तो इसका सर जो फीचर्स जो होते हैं इसके बिल्कुल सिंपल एंड सोबर होते हैं सर। ज़्यादा कोई चटक मटक ऐसा कुछ नहीं होता। पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो, एसी, हीटर, स्टीरियो, सब कुछ होता है इसमें इंटर, जो ज़रूरी होता है वो सब कुछ है इसके बेसिक फीचर्स सारे। हाँ जी। अब इसकी डिटेल पे आ जाते हैं कि इसकी डिटेल वैसे क्या है। ये 2012 मॉडल है सर। ये है आपका ईएक्स वेरिएंट है। कौन सा वाला होता है ये सर? इसमें तीन चार वेरिएंट आते हैं, तीन बेसिकली मेन होते हैं। ईएक्स, एलएक्स और वीएक्स। वीएक्स टॉप होता है सर। वीएक्स टॉप हो गया, एलएक्स सबसे स्टार्टिंग में हो गया, ये मिडिल में। तो 2012 ड्रिवन कितनी है ये सर? 88,000। फर्स्ट ओनर। 2012 में जब ये अपने टाइम पे नई आई थी तो कितने की आ रही थी उस टाइम? नई सर इस समय आपकी आ रही थी ये 14-15। आज हम 2012 हो गया, तकरीबन 7 साल बाद। हाँ जी। हम कितने की देंगे इसे अपने? सर, हम ये देंगे बहुत एक्सक्लूसिव प्राइस, हमारा सिर्फ 4.25 लाख रुपये। छोटा मोटा नेगोशिएशन जो भी होगा वो टेबल पर बैठ के होगा। बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, स्टॉर्म हो गई, एसयूवी की जान कह सकते हो। अगर कोई आप एसयूवी का वीडियो देखो और उसमें फॉर्च्यूनर ना हो तो वो वीडियो मैं उसे इनकम्प्लीट कहता हूँ, क्योंकि एसयूवी में जो सबसे, मतलब कहते हैं ना, किंग ऑफ द एसयूवी, वो उसका नाम इस है अपने सेगमेंट में। बिल्कुल सर, इससे भी ऊपर सेगमेंट हैं, लग्जरी में आ जाते हैं, बहुत अलग है सर। कहते हैं कितनी महंगी महंगी गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी इसके टक्कर की गाड़ी और कोई नहीं सर। इससे ऊपर के भी काफी आपको मॉडल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे, इससे महंगे भी। उसकी वजह क्या है सर? एक, ये जब गाड़ी चलती है रोड पे, बिल्कुल दब के चलती है गाड़ी, रोड पकड़ के चलती है। आप इसे कितने भी स्पीड में आप चला सकते हो ऑन हाईवे। अब हम इसके पहले तो स्पेसिफिकेशंस बताएंगे थोड़ा क्या ये क्या सर ऑटोमेटिक है सर? ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये वाला। ओके। 2012 का वेरिएंट है सर। ये चली है आपकी 85,000। फोर व्हील ड्राइव है, टू व्हील ड्राइव सर? ऑटो में फोर व्हील नहीं आता, ऑटो में टू व्हील। तो ये 4x2 आपको मिलेगी। अब हम इंटीरियर में जाते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाएगा इंटीरियर में? सर, इसके लिए तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अंदर सीटें नहीं, सोफे लगे हुए हैं, ये लगा के चलो आप उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, और इसमें आपका अलॉय व्हील्स, एयरबैग, सब कुछ है। क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, ये वाली इसकी प्रोजेक्टर्स होती है और ये नॉर्मल होती है। अब हम प्राइस पे आ जाते हैं सर। सर, प्राइस अगर आप देखेंगे ऑल ओवर दिल्ली चले जाइए, ये हमारे 2012 है सर, ठीक है, ऑल ओवर दिल्ली आप देख लीजिए गाड़ी को। कहीं भी आपको जो प्राइस की मैं दूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली के लिए सर ये हमारे पास। और एक्सक्लूसिव जी? एक्सक्लूसिवली हम ये आपको सिर्फ आपको बता रहे हैं ये। ओके। सिर्फ आपकी वीडियो पे। ओके। और आप कहीं भी आप जाइए, 12.5 लाख से नीचे इसका प्राइस नहीं है। 2000 ये सिर्फ और सिर्फ कैलाश जी के लिए है प्राइस ये। कितना आपका? सिर्फ और सिर्फ 11.5 लाख रुपये। मतलब 2012 मॉडल 11,50,000 में आपको मिल रही है, और अभी तो वैलिडिटी भी काफ़ी बची हुई है। 3 साल तो मान ही लो आप, 3 साल तो वैलिडिटी बची है दिल्ली के हिसाब से। दिल्ली से बाहर जाते हैं तो अच्छी खासी वैलिडिटी है, तो बहुत बढ़िया डील। और सर, अगर हम आज तो खैर काफ़ी सारे चेंजेस भी आ गए हैं इसमें, और नई उस टाइम पे कितने की आ रही थी? 28-29 आसपास टाइम। चलिए, उसके बाद बढ़ेंगे
एक और गाड़ी XUV। XUV तो चावला मोटर की स्पेशलिटी है और हमने पहले भी वीडियो दिखाया था, उसके बाद हमने दूसरा वीडियो लाए स्पेशल XUV और आज ये अलग से आई है कुछ, इसकी क्या खासियत है? सर इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर कस्टमर ने 2013 में ये गाड़ी ली, 2014 में जाके इसकी ना शेप चेंज हो गई गाड़ी, ठीक है, इसकी लाइट्स वगैरह बदल गई, बोनट्स की शेप चेंज हो गई इसकी। कस्टमर ने बहुत ही अच्छा काम किया इस गाड़ी को बेच के, उनको ज़्यादा पसंद था ये शेप, अब इस गाड़ी को बेच के दूसरी गाड़ी निकालते ज़्यादा घाटा हो जाता, ये गाड़ी बेचना फिर दूसरी गाड़ी लेना, तो ये उन्होंने बाहर से काम कराया? बाहर से नहीं सर, सारा काम कंपनी से कराया, मतलब कंपनी से बिल्कुल वही सब, ये बस बंपर चेंज हो गए, जालियां चेंज हो गई, लाइट्स देखिए आप, लाइट्स चेंज हो गई इसकी, बोनट बिल्कुल, ये जो 14 वाले मॉडल में आता था वो बिल्कुल सर, ये 14 मॉडल में आता था, ओके, ये मॉडल 14 में आया था, 14 के भी एंड में ही आया था, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो एक कस्टमर ने इसके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए लगाए हैं, ऊपर से अलग से खर्चा किया है, और अगर वो नहीं लगाता उसको क्योंकि पसंद आ गया इसकी ये शेप, नहीं लगाता तो इससे ज़्यादा घाटा खाता, फिर तो अलग ही वैल्यू होती है उसकी। बाकी 13 में ये है कौन सी, W8 ये W8 है, 12, 13, 14 में W8 यही आते हैं, ओके। और बाकी फीचर्स में अगर हम जाएं तो हमें क्या क्या इसमें खास मिल जाता है? फीचर्स सर फुली लोडेड, इसमें सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं कि इसमें ये फीचर हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें सब कुछ होता है, अलॉय व्हील, एयर बैग, आपका पावर स्टेयरिंग, साइड मिरर्स, ऑटो चलते हैं इसके, क्लाइमेट कंट्रोल, AC, नेविगेशन, सब कुछ है सर। 2012 W8 हमने दिखाई थी पहले वीडियो में, तो उनकी प्राइसिंग थी 4,95,000, लेकिन ये 2013 है, ये भी W8 है, तो आपने क्या प्राइस रखा है सोच समझ के बताना, मैंने कोट कर दिया पिछले वीडियो का। सर इसका है प्राइस है 6 लाख, इसका 6 लाख बिल्कुल, मतलब 6 लाख इसलिए कि इसमें थोड़ा सा सर, पैसा काम हुआ है गाड़ी पे, इसकी वर्थ है सर, वर्थ है सर। हम लेके आए हैं कस्टमर से तो वो भी उसने पैसा लगाया है, तो ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर देंगे, हम उसको इस हिसाब से लेके आए हैं। शेप देखिए ना सर आप गाड़ी की, आप सिर्फ लाइटें चेंज होती तो मैं एक बार सोचता चलो लाइटें चेंज है, उस कस्टमर ने बोनट तक चेंज कराया सर, इसका बोनट की शेप देखिए, ये आप पिछली XUVs मेरी भी होंगी आप वो भी देख सकते हैं, ओके, इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। तो ये आपको 6 लाख की मिलेगी, बाकी छोटा मोटा हमारे न्यू टू एक्सप्लोर को ज़रूर मेंशन करें, आपको रिगार्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो बढ़ेंगे आके, एक और गाड़ी दिखाते हैं, चौथी गाड़ी है, एक और स्टॉर्म खड़ी, ये भी स्टॉर्म सर, स्टार्टिंग स्टॉर्म एंडिंग स्टॉर्म बिल्कुल, क्या डिटेल है इसकी? ये 2013 है, Okay. ये भी सेम वही वेरिएंट है जो था, सब कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है, सब कुछ फीचर्स वाइज सब कुछ सेम, आई थिंक वो EX, ये भी वही है, ये EX है, ओके ठीक है, तो फीचर्स तो सेम हो गए, सेम सर बिल्कुल सेम। ये 2013 मॉडल है, तो प्राइसिंग में कितना अंतर आ गया? प्राइसिंग में सर ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, ये सिर्फ 5 लाख रुपये की है, वो चार पच्चीस ये पाँच की। और ये कितनी ड्रिवन है लगभग? ये आपकी चली है 74,000। आज जो चावला मोटर पे जितने भी मीटर बताए गए हैं, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है मुझे, नॉर्मली सब कुछ जेन्युइन रहता है यार, लेकिन होता सर सब कुछ जेन्युइन, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो जो गाड़ी जितनी चली हुई है उतनी ही बताई जाएगी, क्योंकि मीटर टेम्पर करने से कुछ नहीं होता, एक आत्मा संतुष्टि मिलती है आदमी को, होना कुछ नहीं है, गाड़ी की मैकेनिकल हालात क्या है वही बता देते हैं कि ये गाड़ी कितनी चली है और कितनी इसमें ताकत है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप ज़रूर किसी मैकेनिक से चेक करवाएं और कंपनी में ले जा करके स्कैन कराएं, सबसे बढ़िया सर, वहाँ से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ छोटा मोटा 1,000-2,000 रुपये का खर्चा होगा, आपको पूरी जानकारी दे देंगे A से लेके Z तक, आप स्कैन करा लो, 1,000-2,000 रुपये खर्च करके स्कैन करा लो, आपको जो भी कमी होगी सब कुछ पता, वो सारी कमी आपको दी जाएगी जो आपको नज़रों से नहीं, इवन मीटर टेम्परिंग होगी तो भी पता चल जाएगी, कोई इंजन में ट्रांसमिशन में कोई भी गड़बड़ होगी सब कुछ पता चल जाएगी बिल्कुल सर। बाकी प्रमोद जी फैसिलिटी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खिंच जाता है, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और फैसिलिटीज़ के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक ले लीजिए, उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो बस ख़त्म करता हूँ, आज की ये 4 गाड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, तो कैसी लगी ज़रूर लिखना, ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर किया करें आप कि आपको प्राइसिंग कैसी लगी, गाड़ी की कंडीशंस कैसी हैं और गाड़ियाँ कैसी लगी। तो दोस्तों लेता हूँ विदा उन्हीं 2 शब्दों के साथ में कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो मिलता हूँ अगले